गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 13 से लेके 16 तक 13वां श्लोक पढ़ता हूँ। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस आस्ते सुखम वशी न द्वारे पुरे देही न एव कुर्वन् न कारयान्। जब देहदारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। चर्चा आ रही है 12वें श्लोक से। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। मतलब निश्चल भक्त जो भक्ति में भौतिक संसार के प्रति आकर्षण नहीं रखता, जो भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता, ऐसे भक्त को शुद्ध शांति प्राप्त होती है। शुद्ध शांति का मतलब है भगवान का धाम। कारण क्या बताया? क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे समर्पित कर देता है। सारे के सारे कर्म फल जो है वो भगवान को समर्पित कर देता है, अर्थात कर्म करता है केवल भगवान के लिए और उनके जो फल हैं वो भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, मतलब जिसने अपने आप को भगवान से निष्काम कर्म योग के द्वारा नहीं जोड़ा है और जो अपने श्रम का फल कामी है, अर्थात जो भगवान की सेवा करता है या संसारिक विकास कार्य करता है और उसके फल की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति जो है बंध जाता है, मतलब बंधन में आ जाता है। अब भगवान जो है नया प्रकरण शुरू करते हैं। 4 श्लोक हैं, ये 4 श्लोक हैं 13 से लेके 16 तक, जिसमें जीव की चर्चा हुई है, भौतिक प्रकृति की चर्चा हुई है, कृष्ण की चर्चा हुई है और डूअर कौन है, अर्थात कार्य करने वाला कौन है, डूअर कौन है, इसकी चर्चा हुई है। तो ये 4 श्लोक जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कठिन भी हैं, आसान नहीं है, ये कठिन है। तो सबसे पहले जो है हम 13वें श्लोक पर चर्चा करते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, पहला पाठ, मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, दूसरा पाठ, तब वह 9 द्वारे नगर में रहता है, तीसरा पाठ, और बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक, चौथा पाठ। तो 4 पाठ है श्लोक के। अब प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं, ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है, अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही अपनी सुपीरियर एनर्जी अर्थात जो आत्मा है उसको विस्मृत कर गया है और अपने को शरीर मान बैठा है, मतलब आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाता, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा फीलिंग आ जाती है, इसलिए कष्ट पाता है। अब कृष्ण भावनामृत के द्वारा वे अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अब कृष्ण भावनामृत में फर्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर सांख्य योगी। ये सांख्य योगी का वर्णन है जो ना कर्म करता है ना ही करवाता है। उपमा दी गई है इसमें नगर और पुरी की। अतः जो ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है वे तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वे 9 द्वारे नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। अब देखिए, अपनी प्रकृति को वश में कर लेना अर्थात यू हैव टू कंट्रोल योर नेचर, मतलब अपनी इंद्रियां, अपनी मन, अपनी बुद्धि,
को कंट्रोल कर लेना, अर्थात जीवात्मा जो है जब इन्हें अपने वश में कर लेता है, इन्हें कंट्रोल कर लेता है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। अब देखिए 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख और गुदा और उपस्थ, ये 9 चीजें। जब कंडीशन सोल हो जाती है, अर्थात वो बद्ध अवस्था में आ जाता है, तो जीव जो है अपने आप को शरीर से अलग नहीं समझ पाता। शरीर ही उसका पहचान है, वही शरीर है, वही आत्मा है, ये भेद को क्लियर नहीं कर पाता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। वो शरीर और आत्मा को एक ही मान लेता है, सिंगल एंटिटी। जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, इस बात को समझता है, समझने के बाद प्रैक्टिस करता है, तब वह जो है इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। अब देखिए इस पे चर्चा आती है, सांख्य योगी की चर्चा आई यहां पर। सांख्य योगी में और साधारण व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करिए। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मेरी हैं, इनमें मेरी ममता है, इनमें आसक्ति है कि इनके द्वारा मैं एंजॉय करता हूं, इनके द्वारा मैं आनंद लेता हूं। जब ये फीलिंग आ जाती है तो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है ये मनुष्य पे अर्थात जीवात्मा पे अपना अधिकार जमा लेती है। अब अगर ममता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, तो ये कंट्रोल में रहेंगे। तो सांख्य योगी जो है उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि में ना ममता है ना आसक्ति है, इसलिए ये तीनों उसके कंट्रोल में रहती हैं, उसके वश में रहती हैं। अब देखिए मनुष्य का प्रकृति के कार्य से, प्रकृति के कार्य मतलब शरीर का कार्य, इंद्रियों का कार्य, मन के कार्य, बुद्धि के कार्य, इनसे जब थोड़ा सा भी कनेक्शन रहता है, इनसे प्रयोजन रहता है थोड़ा सा भी, तब वह प्रकृति के वश में आ जाता है, उसके वशीभूत रहता है। प्रकृति सदैव क्रियाशील है, ऑलवेज एक्टिव। अब प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कभी भी कर्म से रहित नहीं हो सकता, हमेशा कर्म करेगा। किंतु प्रकृति के कार्य, क्या कार्य है प्रकृति के कार्य, अर्थात स्थूल शरीर के कार्य हैं, सूक्ष्म शरीर के कार्य हैं और कारण शरीर के कार्य हैं। इन तीनों शरीरों से ममता है, आसक्ति है, और आसक्ति पूर्वक संबंध से कोई संबंध नहीं रखना है, कोई कनेक्शन नहीं रखना है, उससे अपने आप को विलग कर लेना है। तो सांख्य योगी इनके द्वारा की हुई एक्टिविटीज को, क्रियाओं को अपना नहीं मानता, वो कर्ता नहीं बनता। आई एम नॉट द डूअर, वो कर्ता नहीं बनता। और सांख्य योगी का शरीर के साथ हल्का सा भी संबंध, मामूली सा भी संबंध नहीं होता। देखने में वो शरीरधारी है, देखने में उसने शरीर धारण किया हुआ है, बट शरीर धारण किया होकर भी वो शरीर से विलग है, ये फीलिंग आनी चाहिए बाय नॉलेज। अब कहते हैं नवद्वार पूरे की हमने चर्चा करी, अभी एग्जाम्पल समझिए। एक नगर है, उसमें 9 दरवाजे हैं, और नगर में रहने वाला एक व्यक्ति है, तो नगर और व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। नगर ही व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति ही नगर नहीं है। तो ये जो फीलिंग है ये सांख्य योगी में आ जाती है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। पर जो साधारण व्यक्ति है उसके अंदर ये फीलिंग नहीं है, वो दोनों को एक ही समझता है, दोनों को एक ही मानता है। तो जिस तरह नगर में कोई व्यक्ति रहता है, समाज में कोई व्यक्ति रहता है, तो वो नगर में जो एक्टिविटीज हो रही है मेरी नहीं है, वो नगर की एक्टिविटीज है, सोसाइटी की एक्टिविटीज है, मेरी एक्टिविटीज नहीं है। ऐसे ही जो सांख्य योगी है वो शरीर में होने वाली जो एक्टिविटीज है, जो क्रिया है, उनको अपनी नहीं मानता, वो मानता है प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही है, नेचुरल एक्टिविटीज है, ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। अब आती है बात कि मनसा संन्यस्य, मन से परित्याग कर देना, मतलब इसका अर्थ क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड।
इसका अर्थ यह है विवेक पूर्वक मन से त्याग कर देना। विवेक पूर्वक मीन्स बुद्धि अप्लाई करी, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर, फर्क क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करनी है क्या करनी है, तो ये सारा फैसला करके आप जो है उन एक्टिविटीज को मन से त्याग देते हैं। पर मन से त्यागना भी एक क्रिया है और गीता में मन से होने वाली क्रिया को भी भगवान कर्म मानते हैं। तो क्या करना है कि आपकी जब मन से त्याग दोगे तो कर्तापन नहीं रहेगा कि आम द डूअर, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो विवेक पूर्वक मन से जब एक्टिविटीज के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन का अपने से माने हुए संबंध को त्याग देना कि एक्टिविटीज जो है वो हो रही किसके द्वारा, वो हो रही है प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा, नॉट बाय मी, सोल के द्वारा नहीं हो रही। तो जब ये फीलिंग आ जाती है, सांख्य योगी जो है अपने में कर्तापन नहीं मानता, उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है अपने में नहीं। बॉडी इज डूइंग द एक्टिविटीज, आई एम नॉट डूइंग द एक्टिविटीज, तो इतना सूक्ष्म हूं एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। अब इसके बाद जो है आती है चर्चा अब जीवात्मा जो है स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वो प्रेरणा देके इंस्टिगेट करके कर्म तो करवा सकता है। इसका एक उत्तर दिया गया है कि जैसे सूर्य उदय होता है तो सारे जगत में प्रकाश आ जाता है, सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बस पकड़ रहा है, कोई कार ड्राइव कर रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लग गया। पर सूर्य जो है वो किसी भी एक्टिविटी के इंस्टिगेटर नहीं है, प्रेरक नहीं है कि उनके कहने से एक्टिविटी हो रही है, उनके कहने से एक्टिविटी नहीं हो रही। उन्होंने प्रकाश दिया, कोई उसको बेस्ट यूटिलाइज करे या वर्स्ट यूटिलाइज करे, तो सदउपयोग करे या दुरुपयोग करे, वो व्यक्ति की अपनी चांस है। अब उस व्यक्ति ने कार्य किया है, पाप फल या पुण्य फल दोनों व्यक्ति को भोगने हैं, किसी और को नहीं। जब दोनों व्यक्ति को भोगने हैं तो सूर्य भगवान का कोई रोल नहीं है उसको भोगने में, अर्थात सूर्य भगवान जो है वो प्रेरणा नहीं देते तो पाप और पुण्य के भागी भी नहीं बनते। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है और एक व्यक्ति मर्डर कराता है तो दोनों उसमें इन्वॉल्व है, दोनों की एक्टिविटी है, दोनों गुनाहगार हैं, परंतु सूर्य भगवान यहां कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, उन्हें प्रकाश दे दिया, दैट्स ऑल, दैट्स माय एक्टिविटी इज ओवर। तो ऐसे ही आत्मा जो है, आत्मा वो बॉडी को सत्ता देती है, स्फूर्ति देती है, एनर्जी देती है, शक्ति देती है, परंतु किसी भी कार्य करने की वो इंस्टिगेटर नहीं है, प्रेरक नहीं है। तो यहां भगवान ने यही बात कही है। अब आती है आस्ते सुखम कि मनुष्य जो है उसका स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, जीवे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, पर वो समझता नहीं है, उसने अपनी स्थिति को इंद्रियां शरीर मन बुद्धि प्राण में मान लिया है कि ये मेरा सब कुछ है, भगवान नहीं है कोई भी, मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं उनको नहीं जानता। तो इससे उसे स्वाभाविक अपनी जो नेचुरल पोजीशन है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है। पर सांख्य योगी जो है जो समझता है आत्मा और शरीर का भेद, उसको निरंतर अपने स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव रहता है कि मैं भगवान का दास हूं। यही हम बचपन से आरती करते आ रहे हैं, मैं सेवक तू स्वामी, कष्ट मिटे तन का, मतलब हम जो है अपने आप को सेवक स्वीकार करते हैं और भगवान को स्वामी स्वीकार करते हैं। तो ये जो है फीलिंग वो उसके अंदर आती रहती है। अब देखिए अब आता है श्लोक संख्या 14, श्लोक संख्या 14 पढ़ते हैं। ना कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावतु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है, ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए
प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इस बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है अज्ञानवश, इग्नोरेंस में। अनंत काल से उपार्जित ये अज्ञान, ये जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो इग्नोरेंस है, ये एक दिन में नहीं आई, अनंत काल से उसके अंदर जमा हो रही है, संचित हो रही है। ये अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 14वें श्लोक के अंदर क्या चर्चा आ रही है। पहली बात तो यह समझनी है कि सारे के सारे कर्म जो हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य करना हो, अगर आपको बोलना है तो जिवा है, खाना है तो जिवा है, रस लेना है तो जिवा है, सुनना है तो कान है, देखना है तो आंख है, सूंघना है तो नाक है, स्पर्श करना है तो त्वचा है। अर्थात ये प्रकृति है, ये प्रकृति के अंश हैं, ये इंद्रियां प्रकृति के अंश हैं, ये कर्म की इंद्रियां हाथ है, पैर है, ये मल मूत्र त्याग देना है, ये भी सारे प्रकृति के कार्य हैं। तो कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के कारण जीव अर्थात मनुष्य जो है प्रकृति के साथ कनेक्शन कर लेता है, उसको अपना मानना शुरू कर देता है, उसमें ममता हो जाती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। तो अब कहता है कि कार्य मैंने किया, कर्ता बन जाता है, ये फीलिंग खत्म हो जाती है कि मैं अलग हूं और शरीर जो कार्य कर रहा है वो अलग है, उसने जो है शरीर के द्वारा होने वाले कार्यों का कर्ता अपने को मान लेता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या ये कर्तापन का संबंध भगवान ने बनाया है या जीव ने खुद बनाया है। तो इसी के अंदर जो है 8वें श्लोक में चर्चा हुई थी कि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वतः, ऐसा कैसे कहते भगवान। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, जीव का अपना माना हुआ है, मैंने मान लिया, मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर, ये बात मैंने स्वीकार कर ली कि मैं ही डूअर हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। भगवान ऐसा विधान नहीं करते, भगवान का अरेंजमेंट नहीं है कि अमुक जीव को, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, मिस्टर जेड को ये शुभ कर्म करना पड़ेगा, ये अशुभ कर्म करना पड़ेगा, ये पुण्य का कार्य करना पड़ेगा, ये पाप का कार्य करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसमें क्या है कि यदि ऐसा प्लान भगवान कर देते तो जो विधि है, जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं, या जो प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है, इनहिबिशंस हैं, ये कार्य नहीं करने हैं, उसको बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा सारे यूजलेस हो जाते। भगवान ने बता दिया, बाकियों की जरूरत ही नहीं है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब क्या है कि कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता, कौन भोगेगा फिर कर्मों का फल, फिर जीव नहीं भोगेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जो है उसको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, डू एज यू लाइक, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तो वैसा करो। अब जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। अब जो कर्म है वो जड़ है, चेतन नहीं है, एक्टिव नहीं है, लाइव नहीं है, कर्म जो है जड़ है। तो जड़ चीज जो है अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अपना फल नहीं भुगता सकती, क्योंकि एक्टिव ही कर सकता है। तो अतः कर्मों के फल का विधान, कर्मों के फल का प्लानिंग, जो उसका जो फल देना है वो तो भगवान कर देते हैं। तो भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस कर्मों के फल के साथ जीव का संबंध नहीं जोड़ते, जीव सेम जोड़ता है। मैंने ये कर्म किया मुझे फल चाहिए, मैंने ये कर्म किया मुझे फल मिलना चाहिए, मैंने कर्म किया मुझे ये मिलना चाहिए। अब जीव जो है आउट ऑफ इग्नोरेंस, जैसे हमने बोला आउट ऑफ इग्नोरेंस कर्ता बन गया, आई एम द डूअर, और कर्म फल में आसक्त हो गया, तो कर्म फल के साथ संबंध जुड़ गया, इसी से सुखी और दुखी होता है, दुख और सुख इसी के द्वारा बनते हैं। अब दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में हमने पढ़ा था, मां कर्म फल हेतु भूह,
अतः कर्म फल का हेतु मत बन, कोई भी ऐसा कार्य न कर जिससे कर्म का फल जनरेट हो और कर्म का फल जनरेट होने के बाद उसको भोगना पड़े और भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़े। अब कर्म के फल का कारण बनना तो मनुष्य के हाथ में है कि ऐसा कर्म करे कि उसका कारण ही न बने, उसका फल ही न मिले। तो फल नहीं मिलेगा तो एंजॉय करेगा, ही विल एंजॉय। तो अगर कर्म का फल का जो संबंध है भगवान ने बनाया है तो मनुष्य जो है सुख में दुख में कभी एक समान नहीं हो पाता, निष्काम भाव से कर्म नहीं कर पाता। भगवान ने जगह जगह निष्काम भाव से कर्म करने की बात कही है। अब ऐसा कहते हैं कि श्रुति के अंदर जो कथन ये आ रहा है, जो कथा चल रही है, उसमें शुभ और अशुभ मतलब पुण्य कार्य करवा के पाप कर्म करवा के मनुष्य को या तो ऊंचे लोकों में ले जाना या नीचे लोगों में ले जाना या अपने धाम में ले जाना, ये नहीं है। आपकी जो प्रारब्ध है, आपका जो भाग्य है, जो आपके कर्म फल मैच्योर हो गए हैं, जो प्रारब्ध है उसके अनुसार कर्म फल को भुगता कर भगवान शुद्ध कर देते हैं। चेतना शुद्ध हो जाती है क्योंकि आपने कर्म फल भोग लिया, आपने पुण्य का फल था वो भोग लिया, पाप का फल था वो भोग लिया। अर्थात मनुष्य जो है शुभ और अशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके भगवान कृपा करके उसे कर्म बंधन से मुक्त करके वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, वैसी ही बुद्धि बन जाती है। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, मान लो आपको किस्मत में धन लिखा हुआ है, भाग्य में धन लिखा हुआ है, तो धन प्राप्त करने का समय आ गया है, तो व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, काम धंधे के अंदर उनको वैसी ही प्रेरणा हो जाती है। यस, नाउ इट इज टाइम टू डू परचेजिंग, करो अच्छी, बाद में सेल करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हानि होने वाली है तो व्यापार में वैसी प्रेरणा कर देते हैं, आपको लॉस हो जाता है, आप हानि में चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि मनुष्य जो है जिस प्रकार से शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग सके भगवत प्रेरणा वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देती है, वैसी सिचुएशन अराइज कर देती है। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 15। नादते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहदारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कर्म फल के भागी भगवान कैसे हो सकते हैं? दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि जब भगवान जो है आपके साथ हृदय में उपस्थित हैं, ये बात कही गई है। देखिए कठोपनिषद के अंदर प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में श्लोक संख्या 1 क्या कहते हैं कि यमराज यहां पर जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए ब्रह्मवेता ज्ञानी महानुभाव और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी से एक स्वर में कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। पूर्व जन्म से अर्जित और पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपावशी जीव को उसके कल्याण के लिए ये श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं। उस जीवात्मा के साथ स्वयं भी उसी के हृदय में परम ब्रह्म के निवास स्वरूप शेष स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट रहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही साथ साथ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यम भावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य दोनों के भोग में बड़ा अंतर है, परमाता असंग है और अभोक्ता है, अर्थात उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों का उपभोग करना वैसे ही लीला है जैसे अजन्मा हो गए जन्म ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान अजन्मा है पर जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसे ही वहां एंजॉय कर रहे हैं बट अभोक्ता है, असंग है। इसलिए कहा जाता है कि भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते, अन्यथा ये भी कहा जा सकता है परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं, जीवात्मा पीता है और फल भोगता है, परंतु जीवात्मा
फल भोग से असंग नहीं रहता, उसके संग हो जाता है, अभिमान वश उसमें सुख का भोग करता है। इस तरह साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। जीवात्मी छाया की भांति अल्प प्रकाश है, अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश है, सर्वज्ञ है। किंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वे भी परमात्मा का ही है। ये बात समझने वाली है। फिर इसके बाद मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में पहला श्लोक है। शरीर को पीपल के वृक्ष का और जीवात्मा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरह का वर्णन कठोपनिषद में गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के नाम से आया है। भाव दोनों जगह प्राय एक ही है। मंत्र का सारांश ये है कि मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है, ईश्वर और जीव उसमें सदा रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए सुख दुखों को आसक्ति और द्वेष पूर्वक भोगता है, और दूसरा ईश्वर उस कर्म फलों का किसी प्रकार बिना किसी प्रकार किंचित प्रकार भी संबंध ना जोड़कर केवल देखता रहता है। तो ये बात जो है उपनिषदों में कही गई, इसको समझना आवश्यक है कि भगवान हमारे हृदय में अवस्थित हैं बट अभोक्ता है, असंग है। अब जो हमने यहाँ 15वें श्लोक में पढ़ा, 15वें श्लोक की चर्चा करते हैं कि आप भला कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, गुड वर्क करते हो या बुरा कार्य करते हो, दोनों कार्य करवाने वाला भगवान नहीं है। 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो चर्चा आएगी। भगवान सिर्फ परमिशन देते हैं, कार्य नहीं करवाते हैं। भगवान परमिशन देते हैं। जब भगवान जो है भले कार्य करवाने वाले नहीं है, बुरे कार्य करवाने वाले नहीं है, तो इस तरह पाप और पुण्य के भागी भी नहीं है। वो आप है, वो जीव है। तो अविद्या मीन्स अज्ञान वो जीव के ज्ञान को ढक देती है, कवर कर देती है। ज्ञान है परंतु उस वक्त ढका हुआ है, सामने नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। सो जीव जो है सूक्ष्म वासनाओं के कारण, जो सूक्ष्म वासनाएं हैं उनके कारण भगवान से विमुख हो गया, भगवान की तरफ पीठ हो गई उसकी, भगवान से दूर हो गया और माया अर्थात संसार के सम्मुख हो गया है, तो भोग विलास के प्रति आकृष्ट हो गया है। अब जीव ने अपनी फ्री विल को मिसयूज किया है, वो भूल गया है कि भगवान का दास है, जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। अब एक्चुअली में शक्ति तो भगवान दे रहे हैं, कर्म करने के लिए शक्ति भगवान दे रहे हैं, परंतु कर्म फल के भागी नहीं बनते। भागी है जीव क्योंकि वो इच्छा करता है और उसके अनुसार एंजॉय करता है। भगवान जो है भागी नहीं बनते, कर्म फल के भागी नहीं बनते। तो लॉर्ड जो है वो मनुष्य द्वारा दी हुई वस्तुएं स्वीकार करते हुए भी भगवान भोग रहे हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, श्लोक आएगा इसमें कि भगवान जो है भोक्ता हैं, परंतु मनुष्य द्वारा दी गई वस्तुएं स्वीकार करते हुए भी उन सबसे संबंध नहीं रखते, संबंध रहित हैं, अलिप्त हैं, संबंध नहीं रखते। जैसे कि जन्म लेते हैं पर अजन्मा कहलाते हैं, संसार की रचना करते हैं पर अकर्ता कहलाते हैं। यहां चर्चा है जंतुवा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जंतु, जंतु मीन्स जानवर पशु। तो चाणक्य नीति में श्लोक है, 17वें अध्याय का 17वां श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनानी समान चैतानी नाम पशु नाम ज्ञानम नरामन अधिको ज्ञानम नरा नाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना नींद लेनी डर और संतान पैदा करनी, ये मनुष्यों में और पशुओं में एक समान है। मनुष्यों में भी डर है, पशुओं में भी डर है, दोनों में एक समान है। पर मनुष्य में विशेषता क्या है, मनुष्य में स्पेशल क्वालिटी क्या है कि धर्मों सिद्धेशम अधिको विशेषो, उसमें धर्म अधिक है अर्थात उसमें जो है विवेक रहता है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, फैसला कर सकता है क्या राइट है और क्या गलत है।
और अगर विवेक नहीं है तो वो पशु भी शून्य के समान है, मतलब वो मनुष्य शून्य, शून्य मनुष्य जो है पशु के समान है। पशु के, मनुष्य के अंदर जो है ज्ञान नहीं है, मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है तो वो पशु के समान है, उसकी लाइफ जो है बिल्कुल जानवर की तरह, इसलिए जंतवा शब्द इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, अब इन्हीं बातों को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कर्म के फल का भागी होना दो तरीके से है। एक जो कर्म करता है वह भी कर्म के फल का भागी है, और दूसरा जिससे वो कर्म करवाता है वो भी कर्म फल का भागी है। जैसे मैंने मर्डर किया तो मैं कर्म फल का भागी हूँ, आपने मर्डर कराया तो आप भी कर्म फल के भागी हैं। परंतु भगवान ना तो किसी के कर्म को करवाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ विल दिया हुआ है, फ्री विल दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कार्य करो। अर्जुन से भी कहा, यत इच्छेसी तथा गुरु, अब तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर, अब तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर। तो भगवान जो है न तो किसी के कर्म को करने वाले हैं, न कर्म को करवाने वाले हैं, अतः वे किसी भी कर्म के फल भागी नहीं हो सकते, अर्थात उसके बल से कर्मों को वो शुभ और अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करते। अब दूसरी बात कि भगवान से आपके शरीर को सत्ता मिल रही है, एक्टिविटी तो भगवान से आई ना, सत्ता मिल रही है, उसी तरह संपूर्ण संसार भगवान से सत्ता पाता है, और उन्हीं की सत्ता भागे, उन्हीं से एक्टिविटी एनर्जी भागे, उन्हीं से एक्टिविटी भागे जो है आप जो है सारी क्रियाएं करते हैं, शरीर जो है सारी क्रिया करता है, संसार में सारे शरीर सारी क्रिया करते हैं। अब उन शरीर आदि से होने वाले पाप हो या पुण्य हो उसका भगवान से संबंध नहीं है, तो भगवान उनके किसी भी पाप को ग्रहण नहीं करते, किसी भी पुण्य को ग्रहण नहीं करते। मनुष्य जो है उन कर्मों का फल भागी अपने को मान सकता है, भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है तो बंधन में पड़ जाता है, फंस गया। अब वो फंस गया, उसके कर्म और उसके कर्म फल भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु भगवान स्वयं ग्रहण नहीं करते, अपने ऑटोमेटिकली नहीं होता, बट जब आप अपने कर्म फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और जीव मुक्त हो जाता है, अर्थात अब वो मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, अब वो मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होता है। स्वरूप का ज्ञान है, आरती करते रहते हैं, समझते भी हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु अज्ञान के कारण ढका हुआ है, और अज्ञान के कारण ही कर्मों के बंधन में हम फंसते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब एक्चुअल मनुष्य कौन है? एक्चुअल मनुष्य है जो अपनी आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट पाथ एंड व्हाट इज रॉन्ग पाथ, व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन, मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोग रहे हैं, जो हमने भी श्लोक पढ़ा, आहार निद्रा भय मैथुनम चय, तो जो है पशु भी भोग रहे हैं, परंतु उन भोगों का भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये आपका टारगेट नहीं है। भगवान ने आपको शरीर दिया है उनकी भक्ति के लिए और धाम पहुंचने के लिए वापस, ताकि आप जो है भगवान के धाम पहुंच सकें, इसके लिए आपको शरीर की प्राप्ति हुई है। जिसको अपने ड्यूटीज का, अपने कर्तव्य का और अकर्तव्य का, जो नहीं करना चाहिए उसका ठीक ठीक ज्ञान है, वही मनुष्य जो है साधक कहलाता है, अर्थात भगवान के धाम पहुंचने की साधना करने के योग्य है। अब अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना और कर्म फल का कारण बन जाना, सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित है, क्योंकि हम समझते नहीं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दिस इज अज्ञान। जीव जो स्वरूप है उसका, अर्थात जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी, उसमें सुख दुख से रहित है, बट जब वो कर्ता बन जाता है, जब वो फील करने लगता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम द डूअर, तब वो फंस जाता है, तब उसको जो है सुख और दुख की बंधन मिलता है।
अब आती है श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषां वत् अज्ञानम् प्राकश्यति तत्परम्। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, भगवान के ज्ञान से, जब कोई भगवान के ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, नॉलेजेबल होता है, तो उसे अविद्या का विनाश होता है, अज्ञान का विनाश हो जाता है। कैसे? तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के उदय होने से सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती है, सब चीजें प्रकट हो जाती है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो ज्ञान क्या है शॉर्ट में, नटशेल में? ज्ञान है आत्मा को शरीर से अलग मानना, और अज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर को एक मानना, सिंपल भाषा में। अब आपने जो फाल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, इसको त्याग देना है। अर्थात ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो इस अज्ञान का नाश कर देना है कि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, उसका नाश कर देना है, दैट इज टू बी स्टॉप्ड। अब जो प्रकाश आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, सूर्य उदय होता है तो सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है, नई वस्तु नहीं होती, वस्तुएं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी पर अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, तो जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो विजिबल हो गई, वो दिखना चालू हो गई, कोई ध्यान निर्माण नहीं हुआ। इसी तरीके से जब ज्ञान होता है तो जो अज्ञान था, जो ढका हुआ था, ज्ञान ढका हुआ था तो अज्ञान आ गया था, वो अज्ञान हट जाएगा तो ज्ञान वापस आ जाएगा। ज्ञान आपको बात समझ में आ जाएगी कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, दोनों में भेद है। तो भगवान के ज्ञान की प्राप्ति, जीव के ज्ञान की प्राप्ति, प्रकृति के ज्ञान की प्राप्ति, कर्मों के ज्ञान की प्राप्ति और समय के ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब इससे निष्कर्ष निकल के आया कि तीन डूअर है, उसकी चर्चा भी करते हैं। अब कहते हैं कि जो विवेक है, विवेक मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि के द्वारा फैसला करना क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसके द्वारा मैं और मेरेपन का त्याग करना, मैं नहीं शरीर, अर्थात शरीर मैं नहीं हूं, और जो बार बार बदल रहा है शरीर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जा रहा है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जा रहा है, वो भी मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, वापस चला जाएगा तो अज्ञान का नाश हो जाएगा। अब आपने जो है, परिवर्तनशील वस्तु है शरीर और अपरिवर्तनशील वस्तु है आत्मा, दोनों के संबंध जो अज्ञान से हो रहा था विवेक के द्वारा समाप्त हो गया, अब वो खत्म हो गया। अब विवेक को जागृत किया तो परिवर्तनशील अर्थात मैं और मेरा जो शरीर का संबंध है वो सारा विच्छेद हो गया, और अब आपको जो है परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाउ यू आर इन नॉलेज। जब सूर्य उदय होता है तो नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, जो वस्तु ऑलरेडी थी वही आपके सामने जो है प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है यही चर्चा आ रही है। तो अब आती है प्रश्न कि डूअर कितने हैं? तो डूअर है तीन, यहाँ पे तीन डूअर की चर्चा हुई है। पहला डूअर है लिविंग एंटिटी अर्थात जीव। इफ वन हैज नॉलेज ही रियलाइजेस, वो रियलाइज करता है। क्या रियलाइज करता है? डूअर नंबर टू, कि सारे कार्य स्वतः प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा किए जाते हैं। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सब चीजें हैं प्रकृति के तीन गुणों के कंट्रोल में, उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। और तीसरा डोर क्या है कि प्रकृति के गुण भी जड़ हैं, चेतन नहीं है, तो जीव की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात औजार है, हथियार है, जैसा हथौड़ा चलाओगे वैसा चलेगा। इसी तरीके से अनुभूति भगवान की रहती है। सो डोर नंबर तीन को फाइनल कौन है? परमात्मा। सो डोर नंबर वन लिविंग एंटिटी, डोर नंबर टू थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और डोर नंबर तीन सुपर सोल अर्थात परमात्मा। तो ये जो है ये यहां पर हमने चर्चा करी 13वें से लेके और 16वें श्लोक तक। अब इसके अंदर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम।
जो लोग मेरठ में सुन रहे हैं वो लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे कैन राइट इट, और जो लाइव हैं वो लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। जो रोहिणी में अगर कोई सुन रहे हैं लोग, राधिका रमन बिहारी में, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमारे पास 18 मिनट का समय है इनकी चर्चा करने के लिए, तो वी कैन डू इट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये डुअर नंबर टू नहीं समझ में आया अभी आपने जो बोला ना। डुअर का मतलब है कार्य करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, हु इज डूइंग द एक्टिविटीज। ये भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो जीव है, जो सूक्ष्म है, जो कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, क्या वो करता है। यही बात जो है हम जब 13वां अध्याय पढ़ेंगे, मैं आपको 13वें अध्याय में पढ़ के सुनाते हैं, आप अंडरस्टैंड करिएगा। 13वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, आत्मा नहीं कर रही, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, अर्थात शरीर की उत्पत्ति जो है प्रकृति का, शरीर इज अ पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का उत्पत्ति हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, पर देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तब वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। मीन्स आपने अंडरस्टैंड कर लिया। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक है करना और एक है डिजायर करना। मुझे प्यास लगी है, डिजायर आई, काम नहीं हुआ, मैंने गिलास उठाया और ये पी लिया। तो कार्य किसने किया, क्या आत्मा ने किया, शरीर ने कार्य किया, मेरे शरीर के एक अंश ने, मतलब हाथ ने किया और मुंह से पिया। तो कार्य किसके द्वारा हुआ, कार्य हुआ प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति के कार्य जो होते हैं उसको कहते हैं कि तीन गुणों के अंदर हुआ। ये तीन जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही कर्ता हैं, यही कार्य करने वाले हैं। सो इसलिए कर्ता है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और लिविंग एंटिटी क्यों है कि हमने संबंध मान लिया है कि मैं कर रहा हूं, या शरीर ने, पर हमने संबंध मान लिया है, इसलिए लिविंग एंटिटी जो है कर्ता हो गई, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैंने पानी पिया, अर्थात मैंने संबंध बना लिया है। और परमिटर कोई भी कार्य है उसकी जो अनुमति है भगवान की रहती है, इसलिए जो है परमिटर जो है भगवान है। तो यही बात जो है, जब हम 18वां अध्याय पढ़ते हैं उसमें 14वां श्लोक पढ़ते हैं 18वें अध्याय के अंदर, देखिए कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता मीन्स यहां पे काउंट किया गया है आत्मा को, विभिन्न इंद्रियां अर्थात जो कर्म की इंद्रियां हैं और ज्ञान की इंद्रियां हैं, और उनके द्वारा की गई चेष्टाएं अर्थात एक्टिविटीज, और परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं, जिसमें जीव सिर्फ एक ही कार्य करता है, डिजायर करता है, वो डिजायर करता है, और परमात्मा का एक ही कार्य है, परमिट करते हैं। तो ये जब ये भगवद गीता सारा जो है, मुश्किलात इसी में है कि इसीलिए मैंने बोला कि चार श्लोक बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इनको समझना आसान नहीं है, इनको थोड़ा समझना जो है कठिन है, क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ अपना एक कनेक्शन बिठा लिया है, क्या कि शरीर और आत्मा एक एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है। अभी तक हम इसको समझ नहीं पाए कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब दोनों चीजें अलग अलग हैं और भगवद गीता को ग्रेजुअली एंड स्लोली पढ़ेंगे समझेंगे, तो फिर हम सांख्य योगी के लेवल पे आएंगे कि अब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यार शरीर से कार्य हो रहे हैं, जो कर्मों का फल भोग रहा हूं मैं, काई टेंशन लू,
आत्मा तो शुद्ध है, तो मेरे को उसके लिए सोचना है, मुझे उसके लिए विचार करना है, उसके आगे कर्म के फल ना भोगने पड़े मुझे वो जुगाड़ करनी, मुझे वो इंतजाम करना है कि मेरे से ऐसे कर्म ना हो जिनका फल भोगना पड़े, जिनका मुझे आगे जाके अगले जन्मों में या इस जन्म में आगे जाके फल भोगना पड़े। तो किसके लिए कर्म करने हैं? गॉड सेंटर्ड सोसाइटी बनानी है, गॉड सेंटर्ड घर बनाना है, गॉड सेंटर्ड सेल्फ बनाना है। जब आप कोई भी कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं तो कार्य जो है वो कृष्णमय हो जाता है। अब वो कार्य जब आप कृष्णमय करेंगे तो कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहेंगे, या ठीक ही कार्य करना चाहिए भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक अर्निंग करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपकी जो बॉडी है वो आपका शरीर जो है, आपकी इंद्रियां जो है, आपका मन जो है, आपकी बुद्धि जो है, वो क्या होगा, होले होले भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी और संसार में रहेगी। ये नहीं है संसार छूट जाएगा, संसार को छोड़ के नहीं जाना है, संसार में रहेगी पर रहते हुए भी डिटैच्ड रहेगी, डिटैच्ड। ठीक है टाइम पास करना है भाई, समय निकालना है, पर मुख्य काम क्या है, भगवान से कनेक्शन संबंध स्थापित करना। ये शरीर भी चलेगा, रिश्तेदारियां भी चलेंगी, संबंध भी चलेंगे, नातेदारियां भी चलेंगी, समाज भी चलेगा, सारे कार्य चलेंगे, परंतु सेंटर ऑफ एक्शन जो है कृष्ण होने चाहिए। भोग विलास के लिए समाज से संबंध नहीं बनाना, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए संसार से संबंध नहीं बनाना, एंजॉयमेंट के लिए संसार से संबंध नहीं बनाना। कैसे रहना है, जैसे इसी पांचवें अध्याय के दसवें श्लोक में कहा कि जैसे कमल जो है कीचड़ में रहता है, इसी तरह आप जो है इस भौतिक संसार से अलिप्त रहेंगे, उससे उसमें लिप्त नहीं होंगे, उसमें एनग्रॉस नहीं होंगे, उसमें डूबेंगे नहीं। और बताएं इसमें एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुए हैं, बॉडी वर्क्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर। प्रकृति का वो गुण जो स्वगत एक्टिव है वो आपकी बॉडी के काम को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी ऑटोमेटिकली चल रही है। बट सोल कैन ट्रांसेंड दोज कंडीशंस बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो स्थितियां हैं, ये थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के पार जाना है, यही भगवान ने दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में अर्जुन से कहा कि तीनों गुणों से ऊपर उठ, विशुद्ध सतोगुण में आ जा, विशुद्ध सतोगुण में, तीनों गुणों से ऊपर उठ। तो उसमें जब व्यक्ति चला जाएगा तब जो है इन सारी कंडीशन से परे निकल जाएगा, इन सब से पार चला जाएगा, तब इनके अंदर नहीं रहेगा। तो लॉर्ड कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि सोल की कितनी हेल्पलेस कंडीशन है कि मटेरियल वर्ल्ड में आते ही मटेरियल वर्ल्ड से अट्रैक्ट हो गई, भगवान से अट्रैक्शन भूल गई, भगवान से संबंध भूल गई और भौतिक संसार से अट्रैक्ट हो गई। सो भगवान के प्रति उसका एटीट्यूड जो है न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अगर जो है अगर कोई अपने शरीर के साथ अटैच नहीं होगा तो सर्टेनली जो है उसको एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर बॉडी के साथ डिटैच हो जाता है, मतलब ये नहीं कि आज मर गया तो बॉडी से डिटैच हो गया, मतलब शरीर में रहते हुए भी आत्मा जो है शरीर से डिटैच हो जाती है, अर्थात भगवान से अटैच हो जाती है, तो फिर उसको एंजाइटी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, कष्ट नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होगी और एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। भगवान कर्म फल तो देते हैं पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, जीव स्वयं जोड़ता है। ये बात सातवें अध्याय के 22वें श्लोक में पढ़ेंगे हम। और बताएं शमा माता जी, कोई सवाल है आपका? कमल प्रभु, धाम लीला माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा कमल प्रभु, कहिए प्रभु जी। एक प्रश्न ये आता है, जब जीव स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तो सभी जगह ही तो अपना देखने का
एंगल है कि हम लोग अज्ञान के वक्त उसे देख नहीं पाते हैं, लिविंग एंटिटीज के अंदर नहीं देख पाते, लोग करते हैं जैसे हत्या भी करते हैं पशुओं की, उसमें देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसको इग्नोरेंस है इस वजह से। तो ईश्वर तो सभी जगह है, तो सुख तो सभी जगह है, इसका मतलब जहाँ ईश्वर है वहाँ सुख है। तो जो यहाँ का सुख है, जो पीछे भी मैंने थोड़ा सा रिपीट किया था ये क्वेश्चन, कि मेन जो काम है, जो हमारा जीव है, अपने आप को जानना है, जानने के बाद हमारा क्या भगवान से संबंध है, वो जो संबंध है उसका जो क्रक्स है वो यही है कि हम सुख ही कोई दुख ना आए। वो इसी जन्म में यहाँ पे भी हो सकता है, और हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी दूसरी कर रहे हैं कि नहीं हमें जाने के बाद सुख मिलेगा, क्योंकि हम जब भगवान से मिलेंगे तब हमें सुख मिलेगा। इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए प्रभु जी, एक सिंपल बात समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखिए बिल्कुल, कि भगवान ने जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो आप जो है कैसा भी चाहो वैसा कर्म कर सकते हो, जीव हत्या भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। यही तो कहा है कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, परंतु किसी के प्रेरक नहीं बनते कि आप ये ना करो ये करो, फीलिंग आती है, यू गेट ए फीलिंग की गलत है, परंतु अगर भगवान प्रेरक बनते तो रोक देते, रोका क्यों नहीं, इसलिए कि आपकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ विल है उसमें बाधक नहीं बनना चाहते। इसलिए व्यक्ति जो है वो भगवान से जब अट्रैक्ट होगा तो भगवान के आदेशों पे चलेगा, जब भगवान से डिटैच होगा, संसार से अट्रैक्ट होगा तो संसार के हिसाब से चलेगा, रिश्तेदारों के हिसाब से चलेगा, नातेदारों के हिसाब से चलेगा, बंदियों के हिसाब से चलेगा। तो जैसे जैसे वो चलता है वैसे वैसे उसके अंदर सुख या दुख जो है प्राप्ति होती है। जोर से बोलिए प्रभु, जोर से बोलिए। मुझे भी पूछना है प्रभु जी एक प्रश्न। पूछो पूछो। मैं शमा गुप्ता बोल रही हूँ। मैं ये कह रही थी ये जो भगवान जी की ब्रह्म ज्योति होती है, ये ब्रह्म ज्योति जो निराकार, तो ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में जाके फिर उनके अंदर समा जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, अगर वो अंदर बैठे रहते हैं, और उसका तो कोई फायदा नहीं है। परंतु जैसे कि आप बता रहे थे कि भगवत धाम जब हम जाते हैं वहाँ भी कोई सूर्य चांद तारे नहीं है, ट्यूब लाइट नहीं है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति से ही वो प्रकाशित है, वो ब्रह्म ज्योति तो है ही ना, मतलब भगवान की। देखिए ऐसा है कि आप जो है लंका में रहती हो और हिंदुस्तान आ गई हो, अब आप चाहती हो कि मैं प्रेसिडेंट हाउस जाऊं और प्रेसिडेंट की तरह मैं एंजॉय करूं, प्रेसिडेंट की तरह मेरे को सारी सुविधाएं मिले, बट सरकमस्टांसेस आपको जो है हिंदुस्तान के कोने पे एंट्री करा के छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इससे आगे नहीं जा सकते भाई, इससे आगे परमिशन नहीं है। तो आप हिंदुस्तान में तो आ गए, परंतु जो आपका टारगेट था पीएम हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, वहां तक तो पहुंचे नहीं। वो पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से देखिए कि भगवान ने पांच प्रकार की मुक्ति दी, पांच प्रकार की मुक्ति दी भगवान ने, तो उसमें एक मुक्ति दी सायुज्य। सायुज्य मीन्स कि ब्रह्म ज्योति जो है वो भी तो भगवान के धाम का अंश है, उसी का अंश है ना, पर व्योम है, विरजा नदी के पार है, इस पार तो है नहीं, तो वो जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का एक अंश है, भगवान के अंगों की कांति है, तो उस अंगों की कांति में आप पहुंच गए, जैसे कि केरल के एक तट में पहुंच गए, वहीं बैठे हुए, उसे आगे जा नहीं सकते। जी जी जी, समझे नहीं। तो आपको क्या है कि ब्रह्म ज्योति में जो जीव चला जाता है वो उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु अगर आप उससे और ज्यादा आगे जाना चाहते हो तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई मैं आपको जो है एक सालोक्य मुक्ति दी कि मेरे लोक में आ जाओ। मेरा लोक मतलब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ भैया, प्रेसिडेंट कहता, तो आप केरल से निकले और दिल्ली में आ गए, और दिल्ली भी बहुत बड़ी है। भगवान कहते हैं सालोक्य मतलब मेरे लोक में तो आ गए हो, अब मेरे समीप आ जाओ, सामीप्य। समीप आ जाओ का मतलब यह है
कि अब आप और प्रेसिडेंट हाउस के पास हो गए, भगवान के धाम के और पास हो गए। यार वो नियर टू दिस, तो बहुत अच्छा। अब भगवान कहते हैं कि तुमको जो है मैं साष्टी प्रदान करता हूँ। साष्टी मुक्ति मीन्स कि तुम जो है मेरे जैसा ऐश्वर्य होगे, जैसा ऐश्वर्य मुझे मिल रहा है ऐसा ऐश्वर्य तुम्हें मिलेगा। तो भगवान ने जो है अलग अलग मुक्ति के साधन बताए हैं, पर जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को आकार नहीं मानते, सगुण नहीं मानते, साकार नहीं मानते, वो कहते हैं कि भगवान जो है कोई बिंदु मात्र मान लेता है, कोई रोशनी का पुंज मान लेता है। वो कहता है भगवान तो रोशनी का पुंज है, परंतु जिसने ईशोपनिषद पढ़ दिया है, ईशोपनिषद का 15वां मंत्र पढ़ दिया है, जहां भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान अपने मुखमंडल के आगे से किरणों का आवरण हटाइए, किरणों में जो आपकी ब्रह्म ज्योति की रोशनी है, जिससे मैं आपके मुख के दर्शन कर सकूं। मीन्स वो रोशनी के पीछे भगवान है। जैसे हम कहते हैं कमरे में ट्यूब जल रही है और ट्यूब लाइट है, वो लाइट तो ट्यूब नहीं है ना, ट्यूब डिफरेंट है और लाइट डिफरेंट है। इसी तरह भगवान डिफरेंट है और ब्रह्म ज्योति डिफरेंट है। ब्रह्म ज्योति भगवान के अंगों की कांति है, दैट इज डिफरेंट। तो जो ब्रह्म ज्योति में, जो ब्रह्म ज्योति को जिसने समझ लिया, उसके आगे नहीं समझा तो उसकी अज्ञानता, वो अज्ञान है, अज्ञान में है, उसके आगे जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि उसने उपनिषद पढ़े नहीं, उसने वेद पढ़े नहीं, उसने शास्त्र पढ़े नहीं, उसने अपने मन से सोचा अरे भगवान भगवान बिंदु मात्र है जी, बिंदु मात्र है भगवान, उस पर कंसंट्रेट करो, भगवान एक अंश है, ज्योति है एक, भगवान ज्योति पे कंसंट्रेट करो, ज्योति आपके माथे में विराजमान है यहाँ कंसंट्रेट करो, बिंदु मात्र में यहाँ विराजमान है यहाँ कंसंट्रेट करो, दोनों भावों के मध्य में रहती है आत्मा यहाँ कंसंट्रेट करो। सो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड बिकॉज उनमें अज्ञान है, पर उस अज्ञान के बावजूद बड़े पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं उनको, पीपल अंडरस्टैंड देम। बिल्कुल ठीक है, अब समझ आ गई, क्योंकि निराकारवादी हमारे तो बहुत फर्क है, हम तो मतलब भगवान के उसमें जाके उनके सानिध्य प्राप्त करें, अगर भगवान अगर भक्ति करेंगे तो ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए धाम लीला माता। आपकी तबीयत कैसी है प्रभु जी? अभी ठीक है, पहले से। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, अब मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगी कल, फिर उसके बाद में।